देख लीजिए, क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको, दो क्वेश्चन है इस लेक्चर में, आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया हूँ थ्योरम, उस बेस पे पहला क्वेश्चन है, फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डब्लू इक्वल टू जेड स्क्वायर, सो दैट, पहला प्रूव करना है हमें, सो दैट करना है, नंबर फर्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन एट जेड इक्वल टू 2+i, हमें निकालना क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन एट जेड इक्वल टू 2+iota इज, जेड इक्वल टू पॉइंट दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 2+i 2√5 आएगा, एंड द एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है एट जेड इक्वल टू 2+iota पे इज टैन इनवर्स 0.5, हमें प्रूव करना है कि जो आएगा वो टैन इनवर्स √0.5 पॉइंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डब्लू इक्वल जेड स्क्वायर, सो दैट ए द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन एट जेड इक्वल टू 1+iota, द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन एट जेड इक्वल टू 1+iota इज 2√2, और सेकेंड है द एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इक्वल टू 1+iota इज 5/4। देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, जो है मतलब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, ये सब डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों को, इसका सलूशन निकालने के लिए। पहले क्वेश्चन का सलूशन है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन, तो पहले क्वेश्चन का सलूशन निकालने के लिए सबसे पहले गिवन है, देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो जो W की वैल्यू होती है वही W मीन्स एफ जेड होता है आपका, ये एफ जेड इक्वल टू दिया है जेड स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लेंगे एफ डैश जेड, एफ डैश जेड मीन्स 2z, ये चीज़ है। अब यहाँ से जो हमें एफ जेड और एफ डैश जेड की वैल्यू ये होती है, ये एफ जेड की वैल्यू हो गई एफ डैश जेड इक्वल टू 2z, और यहाँ से एफ जेड भी होता है, एफ जेड इक्वल टू होता है आपका u+iv, ये भी लिख सकते हैं, वो दिया हुआ है, गिवन है यहाँ प्रॉब्लम में, जो एफ जेड इक्वल टू, यहाँ देखिए w है, तो एफ जेड मीन्स ये हो गया u+iv इक्वल टू जेड स्क्वायर मीन्स x+iy का होल स्क्वायर, ये गिवन है, तो दैट इज़ u इक्वल टू u+iota v, इसको खोल देंगे, ए प्लस बी का x² + iy का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² - y² + 2iota × xy, ये फाइंड हुआ। यहाँ से अगर u निकालना हो तो x² - y² और v = 2ixy, तो इसके में ज़रूर नहीं है, पहला प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन के लिए हम करा रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में कॉमन है, पहले क्वेश्चन के लिए सलूशन है, पहले क्वेश्चन का सलूशन है ये आपका, तो पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला पार्ट है आपका, इसमें कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 2+i पे निकालना है, तो मीन्स हमें निकालना है एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो एफ डैश जेड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले देखिए एफ डैश जेड इक्वल टू दिया हुआ है 2z, तो जो पॉइंट दिया हुआ है एट द पॉइंट जेड इक्वल टू दिया है 2+iota, तो जहाँ जेड है वहाँ 2+iota यहाँ पुट करेंगे, तो एफ डैश ये हो गया 2+iota इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 (2+iota), ये फाइंड हो गया, दैट इज ये हो गया 4+2iota, ये आया आपका एफ डैश 2+iota के वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश प्लस 2iota, ये निकल रहा है, ये फाइंड होगा, ये हो गया मॉड ऑफ 4+2iota का मैग्नीट्यूड, यही हमारा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन, ये हो गया आपका, देख लीजिए √4² + 2² दैट इज़ √16 + 4 मीन्स √20, ये फाइंड हो गया,
तो दैट इज लिख सकते हैं इसको 4√5, नहीं 2√5 लिख सकते हैं इसको। ये आ गया आपका द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन फिकेशन एट जेड इक्वल टू 2+iota इस होता है मॉड ऑफ f′(2+iota) इक्वल टू, ये फाइंड हो गया आपका 2√5, तो ये का आंसर आपका ये 5 हो गया। सेकेंड निकालना है एंगल ऑफ रोटेशन, फार्मूला होता है आपका द एंगल ऑफ रोटेशन phi इक्वल टू, ये फार्मूला है, पॉइंट दिया हुआ है एंगल ऑफ रोटेशन एट पॉइंट दे दिया है जेड इक्वल टू 2+iota। इस केस में इस योगा आपका tan इनवर्स v/u, ये phi की वैल्यू इस phi दैट इज phi इक्वल टू tan इनवर्स दिस, ये phi इक्वल टू tan इनवर्स v मीन्स यहाँ से देख लीजिए आपका, यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ क्या है आपका v, ये है इस phi जेड इक्वल टू 2+i इस phi, और चूँकि यहाँ जो आपको फाइंड कर रहे हैं f′z, यहाँ देख लीजिए f′z निकालेंगे तो यहाँ से f′z की वैल्यू ये चीज़ फाइंड हो रहा है, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ f′ 2+iota है, ये आपका 4+2iota, तो हियर u की वैल्यू 4 है और यहाँ से v की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पुट कर देंगे 2/4, तो दैट इज़ phi की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/2, ये इसी को लिख सकते हैं tan इनवर्स 0.5, ये प्रूफ हो गया आपका। एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इक्वल टू 2+i इज phi, दैट इज़ phi इक्वल टू tan इनवर्स v/u, ये फार्मूला हो गया यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन इसी में दो पार्ट दिया हुआ, पहले क्वेश्चन का ये और बी पार्ट का ये बी पार्ट है आपका, पहले क्वेश्चन का ये बी पार्ट का सलूशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है, सलूशन आप सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड में भी सेम टू सेम यही चीज़ है, यहाँ से देख लीजिए कॉमन है यहाँ तक, वही है ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो डब्ल्यू मीन्स होता है f(z), f(z) मीन्स जेड स्क्वायर, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे f′z इक्वल टू 2z हो गया, और यहाँ से f′z की वैल्यू पॉइंट दिया 1+iota इक्वल टू 2 ब्रेकेट में 1+iota दैट इज 2+2iota, ये हो गया आपका f′(1+iota) की वैल्यू। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी 2, अब v की वैल्यू हो जाएगी 2, बाद में हमें रोटेशन निकालने के लिए। अब यहाँ से निकाल लीजिए मैग्नीफिकेशन, द कोफिशिएंट ऑफ, पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन एट जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 2+1+iota इस होता क्या है आपका f′(1+iota) का मॉड, ये चीज़ होता है इक्वल टू, लिख सकते हैं देख लीजिए इसका मॉड करेंगे जब, यहाँ से आ जाएगा इसका मॉड इक्वल टू ये हो गया 2+2iota का मॉड, सॉल्व कर लीजिए अंडर रूट हो गया आपका 2 का स्क्वायर मीन्स 4 + 4 दैट इज √8, √8 को लिख सकते हो 2√2, यही प्रूफ हो गया, ये आ गया आपका, एक आंसर आपका पाले का ही आ चुका है, पाले द कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन एट जेड इक्वल टू 1+iota इक्वल टू फाइंड हो गया 2√2। इसी में सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट आपका है,
एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, तो द एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा इज, ये फार्मूला होता है, इज ऐसे लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड इज एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड, ये लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड दैट इज, ये हो गया आपका, ये लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड की वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड मीन्स ये आपका हो गया टू प्लस टू आयोटा, दैट इज यही हो गया आपका, लिख सकते हैं इक्वल टू टेन इनवर्स वी अपान यू, फार्मूला है, तो दैट इज टेन इनवर्स टू अपान टू, ये हो गया आपका टेन इनवर्स वन मीन्स पाई बाई फोर, ये इसी को हम फाई भी कहते हैं, ये आ गया आपका फाई इक्वल टू पाई बाई फोर, ये आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बहुत ही आसान था और इजी भी था, आप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। अब इस नेक्स्ट मेथड इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, अब इस फॉर्म को करा दिया हूँ और इसी का थोड़ा सा और स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, उस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। देख लीजिए आसान क्वेश्चन है, हेडिंग आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में पहला आपका हेडिंग होगा द ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें बहुत सारे हैं स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में, तो फर्स्ट आपका हेडिंग है ये आपका ट्रांसलेशन W इक्वल टू जेड प्लस सी, ये हमारा ट्रांसलेशन इसमें फर्स्ट है, ट्रांसलेशन W इक्वल टू जेड प्लस सी, ट्रांसलेशन W इक्वल टू जेड प्लस सी कराने जा रहे हैं आपको। देख लीजिए अवेयर जो W इक्वल टू जेड प्लस सी है, वेयर C मीन्स A प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर है सब पढ़ रहे हैं, और जेड ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सी मान लेते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस आई बी, और ए प्लस आई बी वेयर ये ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से डब्लू की वैल्यू हो गई, डब्लू मीन्स जेड मीन्स एक्स प्लस आई वाई, और ये हो गया आपका ए प्लस आई बी, और डब्लू मीन्स होता है देख लीजिए डब्लू इक्वल टू एफ जेड होता है, आई एफ जेड मीन्स यू प्लस आई बी, यहाँ पुट कर देंगे इसके जगह हो गया यू प्लस आई बी इक्वल टू हो गया एक्स प्लस ए, और फिर आयोटा कॉमन वाई प्लस बी, यहाँ से इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड, दोनों साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो देख लीजिए यू इक्वल टू एक्स प्लस ए, और यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड हो गया वाई प्लस बी,
यहाँ से हमें क्या करना होगा, जो एक्स वाई प्लेन था, जो जेड प्लेन है, जेड प्लेन को डब्लू कन्वर्ट करेंगे, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड बना लेंगे। जो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके यहाँ से हमें निकाल लेना होगा, यू और वी प्लेन में चेंज कर लेंगे, काट जो एक्स प्लेन है, जेड प्लेन है, जेड प्लेन को डब्लू प्लेन में कन्वर्ट कर लेंगे, या इसी को लिख सकते हैं आर करके, देख लीजिए ये हो गया एक्स इक्वल टू यू माइनस ए एंड वाई इक्वल टू हो गया वी माइनस बी, बोथ आर सेम, इक्वेशन बना लेंगे। अब पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, पुटिंग दीज वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यूज, यहाँ से एक्स एंड वाई, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ, पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वाई इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व टू बी ट्रांसफार्म, कर्व टू बी ट्रांसफार्म्ड, टू बी ट्रांसफार्म्ड, वी गेट, वी गेट द इक्वेशन ऑफ द इमेज, वी गेट द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द इमेज, इमेज इन डब्लू प्लेन, एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें डब्लू में, जो डब्लू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो जो प्लेन फाइंड हो जाएगा वो डब्लू 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 प्लेन फाइंड हो जाएगा। अब इस बेस पे हम आपको लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए एक क्वेश्चन आप लोगों को नोट कर रहे हैं, व्हाट इज द रीज़न, व्हाट इज द रीज़न ऑफ द डब्लू प्लेन, डब्लू प्लेन इंटू विच द रेक्टेंगुलर रीजन, इंटू विच द रेक्टेंगुलर 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 री रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रीजन रीजन, ये प्रॉब्लम आपका इन द जेड प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस, बाउंडेड बाय द लाइंस, लाइंस एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू, ईच इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू Z प्लस टू माइनस आयोटा, क्वेश्चन मार्क है।
देख लीजिए, जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपको पहला रेक्टेंगुलर क्वेश्चन आपका देख लीजिए, व्हाट इज़ द रीजन इन द ऑफ डब्लू प्लेन, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ डब्लू प्लेन इन टू विच द रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ईच ऑफ द रेक्टेंगुलर व्हाट इज द रीजन ऑफ द डब्लू प्लेन इन टू विच द रेक्टेंगुलर रीजन इन द जेड प्लेन बाउंडेड बाई द लाइन्स एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल जीरो एक्स इक्वल टू वन वाई एंड वाई इक्वल टू इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफार्मेशन। इस ट्रांसफार्मेशन के मैप से डब्लू प्लेन में हमको रीजन निकालना है रेक्टेंगुलर का। तो देख लीजिए आपका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले सोलूशन इसका आपका जो ट्रांसफार्मेशन है डब्लू इक्वल टू, जो फार्मूला है आपका जो नोट करेंगे डब्लू इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ से जेड प्लस क्वेश्चन में जेड प्लस टू माइनस इसी के यूज़ करके हमें करना है। तो यहाँ से डब्लू मीन्स होता है यू प्लस आई वी और जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई और प्लस टू माइनस है ओटा एक गिवन है। यहाँ से यू एंड वी की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये हो गया रियल पार्ट एक साथ कर लो एक्स प्लस टू और प्लस ओटा इमेजिनरी पार्ट से एक साथ वाई माइनस वन वाई माइनस वन ये हो गया आपका। देख लीजिए अब इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड सो दैट इज यू इक्वल टू एक्स प्लस टू और वी इक्वल टू ये हो गया आपका वाई माइनस वन ये हो गया इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट, इसको बना लीजिए सेकेंड। अब गिवन है देख लीजिए वहाँ से जो हमारा इक्वेशन एक्स वाई प्लेन फिगर बना लीजिए, जो एक्स वाई प्लेन फिगर है आपका एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ देख लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू यहाँ वन है y इक्वल टू जीरो ये वो हो गया आपका x एक्सिस है ये आपका y एक्सिस है y इक्वल टू जीरो सो y इक्वल टू ये हो गया टू ओ पी क्यू आर ये हमारा ये रेक्टेंगुलर है हमारा ओ पी क्यू आर एक रेक्टेंगुलर फाइंड हो गया। ये जेड प्लेन में है जेड प्लेन में हमारा रेक्टेंगुलर फाइंड हो गया, जो कर्व फाइंड हो रहा है ये है आपका रेक्टेंगुलर। ये रीज़न है इसको यूवी प्लेन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो देख लीजिए आपको ये आपका एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ से हमें यू और वी प्लेन भी फाइंड करना है। एक्स वैल्यू यूवी प्लेन में पॉइंट निकालने जा रहे हैं इसी में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हेन देख लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ से यू इक्वल टू टू फाइंड हो गया एंड एक्स इक्वल टू वन यू इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू जीरो देन वी इक्वल टू माइनस वन एंड वाई इक्वल टू टू देन वी इक्वल टू आपका टू माइनस वन इंटू वन वन फाइंड हो गया।
ये फाइंड हो गया यूवी प्लेन में, जो आपका डब्लू प्लेन में फाइंड है, ये पॉइंट जो है डब्लू प्लेन के हैं, फिर डब्लू प्लेन के लिए फिगर बनाएंगे। देख लीजिए आप, सबसे पहले यहाँ आपको ये आपका यू एक्सिस है, ये आपका वी एक्सिस है, इसको हम ओ डैस बना सकते हैं। अब आपको सबसे पहले देख लीजिए ये कोई एक्सिस है कि यहाँ यू इक्वल टू टू से स्टार्ट होता है, यू इक्वल टू थ्री, वी इक्वल टू माइनस वन से वी इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लीजिए, ये आपका यू इक्वल टू टू, यहाँ यू इक्वल टू थ्री है, और उसके बाद वी इक्वल टू माइनस वन, वी इक्वल टू माइनस वन से वी इक्वल टू प्लस वन, ये चीज़ है। यह आपको फाइंड हो गया, सपोज़ अगर यहाँ मान लेते हैं ये आपका ओ डैस यहाँ फाइंड हो चुका है, तो हम ले लेते हैं ये हमारा कार्टेशियन, ये जेड प्लेन में है, और अगर इसको हमें उस प्लेन में लेना है तो ओ डैस यहाँ मान लेंगे आपको ये यहाँ है एक्सिस ले रहे हैं, तो वही मानिए। ये हो गया आपका, आपको जो है प्लेन मिलेंगे वो डैश पी डैश क्यू डैश एंड आर डैश, ये आपका डब्लू प्लेन में फाइंड हो गया रेक्टेंगल। ये आपका डब्लू प्लेन है, डब्लू प्लेन में फाइंड हो गया आपका जो है। अब इसके हमें एवरी क्वेश्चन को एक्स वाई प्लेन को जो है डब्लू प्लेन में कन्वर्ट करना है। 10 इसका रिजल्ट लिखने जा रहे हैं आपको, 10 बाई द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेक्टेंगल रेक्टेंगल ओ पी क्यू आर इन जेड प्लेन इज ट्रांसफॉर्म्ड इन डब्लू प्लेन एस रेक्टेंगल ओ डैश पी डैश क्यू डैश आर डैश। ये आपका प्रॉब्लम हो गया हमें, चूँकि इसको जो आपका प्रॉब्लम था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द डब्लू प्लेन इन टू विच द रेक्टेंगुलर रीजन इन जेड प्लेन, जो रेक्टेंगुलर रीजन इन जेड प्लेन में है उसका जो है डब्लू प्लेन में क्या रीजन होगा उसको हमें बताना था। और बाई द ट्रांसफॉर्मेशन गिवेन था, एक्स इक्वल टू लाइन दिया था, जो आपको जेड प्लेन में बाउंडेड दिया था, एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू, आई इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था डब्लू इक्वल टू जेड प्लस टू माइनस आयोटा से, उस ट्रांसफॉर्मेशन से डब्लू प्लेन में क्या रीजन होगा ये फिगर बन गया। यही आपको करना था, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग स्टडी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में